करवा रहे हैं रेशो। रेशो में हम आपको चार रेशो करवा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा अकाउंट पता होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहां क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। यहां आता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम वो होती है जो मेरे मेन बिजनेस से रिलेटेड होती है। ऐसी तीन इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई? ऑपरेटिंग इनकम। बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है? जो मेरे मेन बिजनेस की एक्टिविटीज की इनकम नहीं है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। यहां आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिसके अंदर आता है डेप्रिसिएशन वगैरह, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी वैलरी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? कैरिज आउटवर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट। वैसे तो इंटरेस्ट सॉरी फाइनेंशियल एक्सपेंस में ही आ गया। लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। देखो सर, हमारी पहली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या आती है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ मींस नेट सेल्स, नेट सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा फॉर्मूला है भाइयों? नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है, यानी पीएटी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सारे इनकम जोड़ दो, सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट। बट कोशिश करो अगर बिफोर टैक्स भी गिवन है और आफ्टर टैक्स भी गिवन है तो हम कौन सा लेते हैं? आफ्टर टैक्स। कौन सा लेते हैं? पीएटी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स, और RFO स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? ऑपरेटिंग रेशियो, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा। वैसे तो कहते हैं इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है हमारा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। भाइयों ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे बढ़िया बात यही है, गौर से सुनो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसके अंदर कौन सी इनकम जुड़ी हो? ऑपरेटिंग। कौन से एक्सपेंस घटाओ? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसके अंदर केवल ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हो, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटे हो, ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हो, ना तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटे हो। ना ये इनकम जोड़ो ना ये एक्सपेंस घटाओ, ये इनकम जोड़ो ये एक्सपेंस घटाओ। तो पहला फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ जीपी होता है ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सी इनकम जोड़ो? ऑपरेटिंग। कौन सा एक्सपेंस घटाऊं? ऑपरेटिंग। ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ो ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कौन सी आती है? केवल वो जिसके अंदर ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाओ। ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हो ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाओ। अगर हमें नेट प्रॉफिट की हेल्प से करना है, अगर हमें किसकी हेल्प से करना है? नेट प्रॉफिट। भाइयों नेट प्रॉफिट कैसे निकला? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। कैसे? जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गलती क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ये जुड़ना चाहिए? ना। क्या ये घटना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं सर, बहुत सिंपल है। आपने इसे ऑलरेडी माइनस किया है, कैंसिल करो। क्या करोगे? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपने ऐड किया है, इसको क्या करोगे? माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक बात और ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100% होती है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 80% तो ऑपरेटिंग रेशियो 20%। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% हो नहीं सकता, हमने एग्जांपल ज्यादा ही कुछ बढ़िया दे दिया। ऑपरेटिंग रेशियो 70% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30%। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए।